और भीषण हो सकता है ईरान इसराइल युद्ध। ईरान ने जारी किया अपनी हिटलिस्ट का नमूना, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर। ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल को दी धमकी, कहा अगर हुआ पलटवार तो और खतरनाक होगा हमारा हमला, अमेरिका को भी दखल नहीं देने की दी चेतावनी। लेबनान ने भी इसराइल पर बोला हमला, उत्तरी इलाके में दाखिल करीब 100 मिसाइलें, बेरूत पर 12 घंटे में 6 हमले। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से युद्ध में इसराइल के 2 सैनिकों की मौत, 18 घायल, लगातार जारी है इसराइल का हमला। ईरान के विपक्षी नेताओं का दावा, इसराइल पर हमलों के दौरान ईरान के इस्फहान और जंजान इलाके में गिरी कुछ मिसाइल। बिहार के 16 जिलों में अभी भी बाढ़ का कहर, 15 लाख लोग प्रभावित, वायुसेना ने गिराए फूड पैकेट्स। मुजफ्फरपुर में पानी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, सीतामढ़ी सेक्टर में राहत कार्यों में शामिल था हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पर वायुसेना का बयान, कहा तकनीकी कारण से पायलट को इमरजेंसी में लेना पड़ा यह निर्णय, एयरफोर्स ने दिए जांच के आदेश। मधेपुरा के आलमनगर में कोसी का रौद्र रूप, हाईवे से 2 फीट ऊपर तक बह रहा है पानी, 2000 से अधिक लोग पानी के बीच में फंसे। बिहार में बाढ़ को लेकर राजनीतिक युद्ध भी तेज, जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले संकट के समय बिहार से गायब है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर ने पटना में लॉन्च किया अपना नया राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी, कहा बिहार बिहारियों से बेहतर भविष्य के लिए प्रयास, इंसानियत ही हमारी विचारधारा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जन स्वराज पार्टी पर कटाक्ष, बोले बिहार में 200 पार्टियां, हमें नहीं पड़ता इनसे कोई फर्क, वो आ जाएं करें अपनी तैयारी। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, बोली बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर की टीम, एनडीए को मदद करने के लिए बनाई गई है पार्टी। हजारीबाग में पीएम मोदी की जनसभा, बोले झारखंड में अब लड़ाई बेटी रोटी माटी को बचाने की, जेएमएम झूठे वादों की बदौलत खुद को बचाने में लगा। झारखंड को पीएम ने 83,000 करोड़ की सौगात दी, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च। पीएम के झारखंड दौरे पर कांग्रेस का कटाक्ष, जयराम रमेश बोले कब तक राज्य का बकाया देंगे आप, झारखंड से सौतेला व्यवहार क्यों। रक्षा मंत्री राजनाथ ने राहुल पर लगाया अग्निवीर पर लोगों को गुमराह करने का आरोप, लिखा देशभर में झूठ फैला रही है कांग्रेस, कई राज्यों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के वोटरों को धन्यवाद दिया, ट्वीट किया तीसरे दौर में 69.65% मतदान ने शांति सुरक्षा की वापसी पर लगाई मुहर। बीजेपी सांसद गंगा रनौत के पोस्ट पर नया विवाद, लिखा देश के पिता नहीं लाल होते हैं। कांग्रेस ने कन्या के ट्वीट को बताया बापू का अपमान, राजकुमार विरका ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, कुछ नहीं बोल रही है बीजेपी। हरियाणा में मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा हरियाणा की जनता अब मौसम बदलने वाली है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से बनाएगी हरियाणा में इतिहास। हरियाणा के भवानी खेड़ा में प्रियंका की चुनावी रैली, बोली बीजेपी ने 10 साल में सिर्फ लूट मचाई, बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है हरियाणा की जनता, अब चाहती है बीजेपी से छुटकारा। गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र, बोले गंदगी से नफरत हमें स्वच्छता के लिए मजबूर करेगी मजबूत करेगी। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी भारत भंडार में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बापू को श्रद्धांजलि दी, साथ में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद। ओलंपिक पदकवीर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी को पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी, कहा आपका भेजा हुआ चूरमा खाकर भावुक हुआ, आपके स्नेह ने मुझे दिलाई मां की याद।